पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉ. ओम प्रकाश सिंह ने दल बल के साथ कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी द्वय पूरी तरह से एक्शन में नजर आए। जिन मतदान केंद्रों के आसपास बेवजह घूमते और बैठे लोग नजर आए, उन्हें अधिकारियों ने फटकार लगाते हुए वहां से हटाया। चेतावनी दिया कि जो भी नियम कानून का उल्लंघन करेगा उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों के इस कार्रवाई से लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा। इसके साथ ही जिस मतदान केंद्र पर पुलिसकर्मी ड्यूटी में लापरवाही करते पाए गए, उन्हें भी पुलिस कप्तान ने फटकार लगाई। वीडियो को पूरा देखिए कि कैसे अधिकारियों ने लोगों को नियम कानून बताने का कार्य किया। हेलो हेलो भाई, कृपया सारे लोग ध्यान दें, अपने अपने घर होने की जरूरत नहीं है। जिनको वोट देना है मतदान स्थल पर आए वोट दें, और जिनका वोट हो चुका है कृपया घर जाएं। सही स्थान पर भेज दिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी, मुकदमा कायम होगा। आप सभी से अनुरोध है कृपया शांति बनाए रखें, वोट आकर के दें और घर जाएं। अनावश्यक खड़े न रहें। अगर आप खड़े हुए मिलेंगे, बिना मास्क के मिलेंगे, तो आपके खिलाफ मुकदमा भी कायम होगा और जुर्माना भी लगेगा। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया अपने अपने घर जाएं या वोट दें, मतदान स्थल पर आएं। इस चीज को ध्यान रखना, हम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे आ गए हैं, वो कार्रवाई करूंगा कि फिर ना रोएगी। दिमाग करते दिमाग खराब है करने होगा। यहाँ इधर कैसे बैठे? चलिए आप लोग जाइए, जिनका वोट पड़ चुका है वोट पड़ चुका है, बैठ गया। केवल जिनका वोट दे रहा है इनका नाम नोट कर लो, ये जो पर्ची बना रहे हैं ये सब गुंडा। मैं देखता हूँ कितना बड़ा गुंडा है यहाँ पे कोई। हाँ, और जिलाधिकारी यहाँ पे आ गए हैं। और हम लोगों को जो है जो माताएं बहने थी उनका विरोध किया सर रोड देने, तो उसी पर सर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया सर, तो झापड़ से मार दिया सर। इसी पर सर जो है दोनों तरफ से लोगों ने सर कैंडिडेट का नाम क्या है सर? शोएब नाम है। शोएब वो सर यहाँ चल गया है। शोएब का वार्ड भी नहीं है? नहीं सर। शोएब किस पद का प्रत्याशी है सर? शोएब प्रधान पद का प्रत्याशी है। तो ये उस ग्राम पंचायत जो पुलिस बंदे पे लगा है वो ध्यान दे, देखे बिना मास्क के कोई इंटर न करे। अगर कोई पोलिंग एजेंट, कोई भी पोलिंग एजेंट, कोई भी वोटर, कोई भी मोबाइल लेकर के नहीं आएगा, बिना मास्क के कोई अंदर नहीं आएगा। और दूरी बना के रखिए, रैंप पे मत रखिए। एक आ रहा है उनको पहले प्राथमिकता दीजिए, वोट डालने के बाद अगर कोई दिखेगा तो उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। पोलिंग एजेंट कोई भी किसी भी दशा में उसमें बैठा दीजिए तुरंत पकड़ करके। बिना मास्क के कोई भी परिसर में प्रवेश न करने पावे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए, दूरी बनाते हुए वो रखिए, नहीं तबीयत खराब हो जाएगी सबकी। बहुत ही चलो किनारे बाबू दिया तार करके जेल भेज दिया जाएगा। ये बरांडे निकल कर बरांडे में नहीं, एक आदमी अपने सिंधु बना रखे।
पोलिंग वोट डालने के बाद कोई भी रुकना नहीं चाहिए।